तो सब कुछ मिला के फुल पूजा का शॉपिंग होगा आज। ओह गॉड, आई गॉट। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग? एंड जस्ट लुक, बहुत खूबसूरत मौसम है। लाइक मैं बोलती हूँ ना, ये टाइम ऑफ द ईयर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मैं रेडी हूँ, मतलब मैं बाहर जा रही हूँ। तो फर्स्ट मैं रैक्स को ड्रॉप करूँगी एंड वेट मैं कर। तो जैसे मैं बोल रही थी कि मैं और रैक्स को अभी मैंने एक छोटा हड्डी दिया है तो वो चबा रहा है। हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, पूजा का शॉपिंग करने। हाँ, रैक्स कैसे जाएगा? तो रेक्स को जाते वक्त ना पेट स्मार्ट पड़ेगा, तो पेट स्मार्ट में रख दूंगी। एंड टुडे इज द फर्स्ट टाइम कि रेक्स को एक्चुअली मैं अकेले लेके भी इतना दूर जा रही हूँ। तो मैं पेट स्मार्ट पे रखूंगी एंड उसके बाद हम लोग चले जाएंगे मॉल, क्योंकि पूजा आ रहा है और कितना ही और दिन है। यू नो, आई थिंक सो ओनली 10 days इज लेफ्ट। एंड मैंने तो राय एंड शॉमी के लिए कुछ भी नहीं खरीदा है। प्लस मेरा कुछ, यू नो, देयर आर सम, मेरे पास कार्ड्स है जो मुझे यूज भी करना है फ्री का सामान लेने के लिए। तो सब कुछ मिला के फुल पूजा का शॉपिंग होगा आज। एंड चलिए चलते हैं, इससे पहले यू नो रेक्स का हड्डी खत्म हो जाए। तो पहुंच गए फर्स्ट डेस्टिनेशन, मैं रेक्स को छोड़ने जा रही हूँ। एंड रेक्स सोच रहा है कि उसके बाथरूम में आए हैं। तो मैंने रेक्स को रख दिया है एंड अभी मैं जाऊंगी मॉल पे। एक्चुअली पहले जो ये जगह है ना, ये ना यहाँ पे सो मेनी शॉप्स वेर देयर, पर जस्ट नाउ अभी देखो ऑल द शॉप्स आर क्लोज। यहाँ पे केमार्ट भी था, वो भी बंद होने वाला है। लाइक अभी यहाँ पे ना पेट स्मार्ट एंड AK 5 बिलो, ये दो छोड़ के ना और कुछ भी नहीं है। तो हम लोग को वही डर लगता है कि ये भी बंद ना हो जाए। लाइक पहले यू नो जब हम लोग नए नए आए थे तब तो मुझे कार चलाना नहीं आता था, तो यहाँ पे ना हम लोगों के वहाँ से बस भी आता था, तो मैं बस लेके मैं यहाँ पे आती थी। लाइक मेरी मम्मी पापा लोग आए थे जब, मैं और मेरी मम्मी यहाँ पे बहुत आते थे। तो लाइक सो मेनी शॉप्स यूज टू बी देयर। सी 5 बिलो, ये मुझे बहुत पसंद है। हाउ मेनी ऑफ यू लव 5 बिलो, मुझे लिखना। फाइनली मैं मॉल पहुंच गई, पर जहाँ पे मैं हर वक्त रखती हूँ ना आज, वो लाइक वो पार्किंग लॉट ही फुल बंद है, काम चल रहा है। एंड मैं जैसे हर वक्त बोलती हूँ ना, मुझे चेंजेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने एक नया जगह पे रखा है क्योंकि दिस मॉल ना इज ह्यूज। तो वही अभी मुझे पिक्चर क्लिक करना है कि मैंने कहाँ पे रखा है। तो चलिए चलते हैं, आप लोग भी मेरे साथ थोड़ा अलग पार्ट देख लीजिए मॉल का। सिफोरा से मैंने खरीद लिया एंड अभी मुझे राय के लिए कुछ लेना है, फिर शॉमिक के लिए लेना है, तो मैं नॉर्थस्टर्म आई हूँ। एंड अभी ना राय के लिए ख़रीदना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज शी हैज़ हर ओन चॉइस ना। पता नहीं मैं जो खरीदूँगी उसको पसंद आएगा भी या नहीं। तो जो भी हो, मैंने एक लिया है, पसंद नहीं आएगा तो वी कैन रिटर्न इट। तो अभी मैं जा रही हूँ खाने का ऑर्डर देने, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। Best friend didn't care about the rules, good on the weekends, I'll be in fools drifting the deep। तो फाइनली हो गया। फिर मास्क पहन के इतना टाइम रहना ना, इट्स सो टफ फॉर मी। मैं एक बार आई, मैंने से मैं इतना सारा सामान रख के गई, वो सब बैग पे मत जाइए, वो मेरा ऐसे शॉपिंग करने का लाइक बाजार करने का बैग है। तो जब मैं पेट स्मार्ट गई थी ना, तभी मैंने रेक्स के लिए भी खरीद लिया था, बिकॉज यू नो सबके लिए खरीदो एंड उसके लिए कुछ ना खरीदो तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने खरीद लिया था, मैं उसको दे दूंगी, एक एक करके दूंगी। एंड चलिए चलते है अभी। एंड हाँ, घर में जाके मैं दिखाऊंगी कि पूजा के लिए स्पेशली टुडे मैंने शॉपिंग किया, यू नो राय एंड शॉमिक के लिए। अभी आप लोग बहुत जन गुस्सा करेंगे, पर मैं जैसे बोल रही हूँ ना, पता नहीं यू नो नेक्स्ट ईयर आई विल बी डूइंग यूट्यूब और नॉट, राय भी हाई स्कूल चली जाएगी। मैंने पहले से ऐसा सोचा था, तो मुझे लगा चलो इस साल मैं अच्छी तरीके से वो लोग खरीद के देती हूँ।
तो पेट स्मार्ट पहुंच गए एंड पहले से ही मैं ना ये पीछे दे देती हूँ एंड मैं बहुत ही फ्रेंकली बोल रही हूँ, पहले लाइक जब भी हम लोगों ने रैक्स को रखा ना, लाइक मेरे साथ ना कोई था शॉम में, एक नहीं तो राय था यू नो, एंड लाते वक्त अगर रखा भी आई थिंक एक दो बार मैं अकेले गई थी, पर लाते वक्त ना तब शॉमिक नहीं तो राय था क्योंकि वो ना ऐसा थोड़ा क्रेजी हो जाता है एंड मोस्ट ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड राइट। सी अगर आपको कुछ में एक्सपर्ट होने में थोड़ा तो टाइम लगता है यू नो, तो आई होप सो वो मेरे ऊपर जंप एंड ऑल ना करे, तो पहले से ना मैं ये पीछे रख देती हूँ, वो एक्साइटेड हो जाएगा। या आई होप सो ही लाइक वो देखे, दे आर लाइक स्मॉल बेबीज यू नो। तो चलिए अभी मैं जाती हूँ एंड आई डोंट नो हाउ ही विल रिएक्ट। ये रहा रैक्स यू नो, मैंने कभी भी नहीं सोचा था, वो बोलते ना लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल यू नो, लाइफ में आप सोचते कुछ है होता कुछ है एंड लाइफ में फ्यूचर में क्या होगा किसी को भी नहीं पता, वही प्लान पर हम लोग का प्लान कुछ अलग हो जाता है। जैसे कि लाइफ में मैंने कभी भी नहीं सोचा था यू नो मैं शॉपिंग करने जाऊंगी एंड ऐसा होगा यू नो, आई हैव अ डॉग पपी, फिर मैं इसको रख के यू नो आई विल गो। तो जो भी हो यू नो, लाइफ ब्रिंग्स लॉट ऑफ सरप्राइजेस एंड उसी में मजा भी है। तो चलिए अभी घर चले जाते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 2:45, राय भी आ जाएगी एंड बहुत टायर्ड लग रहा है। आई गॉट फूड ऑल्सो, दैट इज अ नाइस थिंग यू नो, बैग लेने ले क्योंकि दिस मॉल्स आर सो बिग ना, लाइक दूसरा एक पोर्शन पे यू नो पी एफ चेंगे, मैंने वहां से खाना लाया, मैं वहां से खाना लाई, देन यू नो आई केप्ट इन द कार क्योंकि अब इतना कुछ लेके कैसे करके शॉपिंग करेंगे, देन बैग भी थोड़ा हेवी हो जाता है ना, अब कन्फ्यूज लगता है ना अकेले अकेले में। लाइक ट्रस्ट मी दिस वन ईयर में ना मुझे लगता है लाइफ इतना चेंज हो गया है ना, कहीं ना कहीं हम लोग दिमाग से भी थोड़ा चेंज हो गया है ना। अभी मैं ऐसे शॉप में जाती हूँ ना, आई ऑलवेज गेट कन्फ्यूज एंड हाँ, और एक न्यूज है जो आके मैंने मेल देखा है, मुझे पता चला कि हम लोगों का सोफा सेट दिसंबर में फुल आपको देखना पड़ेगा, अभी वो लोग बोल रहे हैं कि जैन पे आएगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, बिकॉज मेनी ऑफ यू वर सेइंग कि नहीं नहीं जल्दी आ जाएगा जल्दी, अभी वो लोग बोल रहे हैं एस्टिमेटेड जैन 2022 पे आएगा। रैक्स बहुत टायर्ड हो गया है एंड वहां पे मैं गई ना, तो दैट इज वन गुड थिंग इज ना कि आप देख सकते, तो मुझे देखना था, तो ये होता है ना यू नो, दूसरा किसी डॉगी के साथ ये लड़ाई कर रहा था। मैंने बर्तन एंड ऑल कुछ भी नहीं दिया, मैं सुबह उठी ना मौसम इतना अच्छा था, मुझे लगा चलो मैं ऐसा करती हूँ यू नो, मैं इसको रखती हूँ क्योंकि रस्ते पे ही है, फिर लेट मी गो क्योंकि घर में रखेंगे तो शॉमिक को ये काम ही करने नहीं देगा एंड शॉमिक कभी काम रहता है ना यू नो, यू कैन ऑलवेज एंटरटेन हिम। एंड हाँ मैं आप सबको दिखाती हूँ कि खाने में व्हाट आर द थिंग्स, यहाँ पे है चिकन फ्राइड राइस, फिर यहाँ पे है चिकन लोमिन, यहाँ पे भी है लोमिन, ये फिर मैगी का जैसा लग रहा है देखने में, एंड ये रहा क्रैब वॉन्टन। एक्चुअली आज मुझे ना दूसरा कुछ खरीद के लाना चाहिए था, तो अभी मैं इसको गरम करूंगी एंड फिर अभी मुझे सारा किचन साफ करना है एंड मुझे बर्तन भी देना है, तो जहाँ पे भी जाओ यू नो ये सब काम तो रहता ही है, तो वॉन्टन भी मैं अभी गरम कर लूंगी। तो अनदर आई थिंक सो 5 मिनट्स राय ऑलमोस्ट आ ही चुकी है एंड या अभी ना एक प्रॉब्लम हो रहा है, जब से ना मैंने ये काउंटर टॉप चेंज किया है तो मुझे लगा मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, इफ एनी वन ऑफ यू हैव फेस दिस प्रॉब्लम, तो ये जो स्टैंड मिक्सर है ना, स्पेशली जब मैं रोटी बनाती हूँ ना एट द एंड यू ना, जब डो बन जाता है तब आप देखेंगे थोड़ा मुश्किल होता है ना इसको घूमने में, तब क्या होता है ये ना ऐसा ऐसा करके ना सामने आ जाता है, जस्ट इमेजिन, तो मैं ना यहाँ पे खड़ी रहती हूँ, ये सामने आता है ना मैं इसको पुश करके पीछे लेती हूँ, लाइक मैं अगर नहीं रहूँगा तो सामने आके ये गिर जाएगा। तो किसी को भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या, मे बी यू नो दिस इज थोड़ा ऐसा ग्लॉसी ग्लॉसी टाइप है या स्लीपरी है, पता नहीं किस लिए ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि पुराना जब मेरा यू नो काउंटर टॉप था तब ऐसा प्रॉब्लम कभी भी नहीं हुआ था। तो इफ एनी वन ऑफ यू हैव फेस्ड लाइक दिस प्रॉब्लम, क्या आप लोगों को भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो प्लीज मुझे बताना ना इसका सॉल्यूशन क्या है। मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ,
अभी मैंने किचन एंड ऑल साफ किया, कल रात को ना मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि बहुत लेट हो गया था। फिर मुझे लगा कि मैं एडिटिंग नहीं करूंगी, फिर मुझे लगा नहीं, यू नो दिस ऑल थिंग्स आर माय बैड हैबिट, यू नो मैं जस्ट चांस खोजती हूँ कि किस तरीके से मैं एडिटिंग ना करूँ। तो मुझे लगा कि नहीं मैं करती हूँ, पर वहाँ खत्म करते करते बहुत लेट हो गया। तो चलिए अभी राय आएगी तो खाएंगे, मैं फिर राय को दिखाऊंगी उसको कैसा लगा एंड ऑल, देन आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू। राय एंड शॉमी का इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, पर मैंने जो जो खरीदा है आप सबको बहुत पसंद आएगा। एंड शायद हम लोग के यहाँ का ना पीएफ चेंग का खाना, यू नो वो टेस्ट चला गया ना, आज भी मैगी जैसा लग रहा है। तो राय बोल गया कुछ सॉस ऐड करो, तो मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे पास ना थोड़ा वो चिकन मिंस है, तो मैं सोच रही हूँ रात में ना मैं ऐसा चिकन मंचूरियन लाइक चिकन बॉल टाइप कुछ ऐसा बना लूंगी इसके साथ खाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ब्लेंड लग रहा है ना। एड दिस दिया ही नहीं, राय बोले एड दिस सब इसने सभी ऐड कर दिया। अभी मुझे बोल रही ऐड दिस, मैं कहां से ऐड करूं, मुझे बनाना पड़ेगा। वी वोंट गेट एनी मोर फ्रॉम पीएफ चैन, बस ये सेकंड डे, फर्स्ट डे आल्सो वी गॉट। राय बोल रही है राय कर, अभी आप लोग बताओ कुछ है क्या जो मैं टेस्ट करूंगी, टेस्ट माइंड ओके, ये मैं टेस्ट करूंगी, चलो यही टेस्ट करती हूं ओके राय ओके कोई ना ये दे टेस्ट ना फॉर टेस्ट डिफरेंट है। आज का हॉल बेडरूम में दिखाऊंगी बिकॉज मैं किचन में दिखाते दिखाते मैं बोर हो गई हूँ। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, अकेले सिर्फ आप लोग क्यों देखेंगे, रैक्स भी तो देखेगा ना, तो रैक्स भी वेट कर रहा है कि मम्मी ओपन करो ओपन करो, मुझे भी देखना है। तो ये ना मैंने नॉर्थस्ट्रम से खरीदा है, लाइक ये वैंस का है, तो ये वैंस का है एंड मुझे ये बहुत पसंद आया। दिस इज परफेक्ट फॉर फॉल, यू नो ये फुल ऐसा बंद हो जाएगा तो ये फॉल के लिए काफी अच्छा है। ये एक राय के लिए, देन आई गॉट दिस जॉगर्स, लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स ना मैं स्कूल में पहनेगी मैं इसीलिए खरीदती हूँ। जॉगर्स आर क्वाइट कम्फर्टेबल, यू नो जॉगर्स में अगर आप जिम एंड ऑल भी करें ना तो भी आप अच्छे से होल डे रह सकते, क्योंकि अभी ना ये लोग का पहले जैसा था ना इन मिडिल स्कूल कि ये लोग ना लाइक ये लोग का अलग एक लॉकर होता था जस्ट फॉर जिम, जहाँ पे ये लोग जिम के कपड़े रखेंगे। पर जब तक ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है ना, वन सेकेंड क्यों अच्छे है, जब से ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है ना तब से वो लोग ने बंद कर दिया है। तो जॉगर्स आर रियली कंफर्टेबल, तो ये मैंने लुलू मिलन से खरीदा, या लुलू मेलन से खरीदा, या दिस आर फ्रॉम लुलू मेलन। ये थोड़ा बड़ा हुआ है राय के लिए बट दैट्स फाइन, लाइक इसमें ना पॉकेट भी है तो राय को लाइक बहुत पसंद है। आई डोंट नो आप लोग के बच्चों को पसंद है क्या, राय को बहुत पसंद है, यू नो दोनों पॉकेट रहेगा तो फॉर होल डे ना इतना टाइम वो लोग स्कूल में रहते, दिस आर क्वाइट कंफर्टेबल। ये गया राय का। फिर शॉमिक के लिए भी मैंने एक जॉगर खरीदा है, जॉगर्स आर रियली कंफर्टेबल, लाइक आप लॉन्ग ड्राइव भी कर सकते हैं जॉगर्स पहन के। तो शॉमिक के लिए भी मैंने एक खरीदा, अभी पता नहीं यह ऐसी अच्छा है, ऐसी पॉकेट भी है चेन भी है, देखते हो शॉमिक को पसंद आता है कि नहीं। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम दैट शॉप लुलू मेलन। ब्राय अपना कपड़ा ले लो, अच्छा ठीक है। ब्राय हाउ डिड यू लाइक इट, माय योर पूजा गिफ्ट फ्रॉम मम्मी, एंड रैक भी है। 5 minutes later. तो रायका खत्म हो गया है, तो शॉमिक का हाफ खत्म हुआ है। फिर मैंने शॉमिक के लिए, दिस ऑल ना रियली गुड फॉर यू नो फॉल, अभी के लाइक अभी तक विंटर्स में भी यू नो आप पहन सकते हैं। तो मैंने शॉमिक के लिए एक ये खरीदा है, दिस इज फ्रॉम टॉमी बहामा, ये एक खरीदा है एंड और एक खरीदा है। अभी मैं सोच रही हूँ सिर्फ मैं एक ही दूंगी, दो हो गया शॉमिक के लिए। तो देखती हूँ यू नो उनको
लाइक जो पसंद आता है, नहीं तो पसंद आता है तो वो दो ही रख लेंगे. Two very boring minutes later. तो अब आते हैं मेरा बारी. तो बहुत दिनों पहले रिमेम्बर मैंने आप सबको बोला था कि राय के बर्थडे पे राय की एक दोस्त ने राय को सिफोरा गिफ्ट कार्ड दिया था, $60 का गिफ्ट कार्ड दिया था. एंड राय ने तभी मुझे दे दिया था. राय बोले मम्मी मैं क्या करूंगी, यू नो मुझे कुछ इंटरेस्ट एंड ऑल नहीं है, तुम्हारा जो मर्जी खरीद लो. तो उससे मैंने इतना सारा सामान खरीद लिया. तो ये तो फर्स्ट मैंने खरीदा टार्ट कॉस्मेटिक्स का. ये आईलाइनर है बिकॉज अभी ना मेरे पास कुछ भी नहीं है. आई ओनली हैव दिस लैक्मी का आइकॉनिक काजल एंड ये जो मैं यूज करती हूँ यू नो बेनिफिट का आईब्रो डिफाइनर एंड आई डोंट हैव एनीथिंग. सब खराब हो गया है. तो मुझे लगा पूजा आ रहा है यार मैं एक आईलाइनर खरीदती हूँ. तो दिस वॉज आई थिंक अराउंड $20. या सी या काफी अच्छा है. मैं थोड़ा लगा भी देती हूँ. या मैंने थोड़ा थोड़ा ही दोनों साइड पे लगाया. मुझे लगा एक खरीदती हूँ, बहुत दिन हो गया है. तो ये मैंने खरीदा. फिर मैंने डियोर का एक लिपस्टिक खरीदा. आप लोग हर वक्त मुझे बोलते रहते पायल तुम सिर्फ यू नो लिक्विड लिपस्टिक लगाती हो, लिक्विड लिपस्टिक लगाती हो. तो मुझे लगा आज मैं एक नॉर्मल लिपस्टिक खरीदती हूँ. तो ये डियोर का है एंड या वो इसका कलर, ये कलर के मैंने चूज किया था क्या, देखती हूँ. आई थिंक सो आई गॉट द रॉन्ग कलर. ओहो रॉन्ग कलर है तो ओ गॉड आई गॉट द रॉन्ग कलर. फ्लॉप हो गई मैं. ये कलर तो कुछ है ही नहीं, जस्ट लुक. तो ये मैं चेंज कर दूंगी. कैन वी चेंज, आई डोंट नो ऑल्सो. देन ये सिफोरा का मैंने एक लिप ग्लॉस, ग्लॉस लिक्विड लिपस्टिक है शायद सी. ये कलर मुझे काफी पसंद आया. सो दिस इज क्वाइट गुड यार. ये नया निकला है, वो लेडी वो ही बोल रही थी. वेट मैं इसका. तो द नेम ऑफ द शेड इज पावर. बहुत ही इजी नेम है एंड जस्ट लुक एट द कलर, इट इज सो प्रिटी. तो ये सब $60, आई थिंक सो आई पेड ओनली $10. एंड हाँ मुझे, मेरा पास 400 पॉइंट्स था तो फ्री में मैंने एक छोटा एक मस्कारा भी था तो मैंने मस्कारा भी ले लिया. तो अच्छा हुआ यू नो एवरीथिंग इज डन. मेरे पास अभी आईलाइनर भी है एंड मस्कारा भी है. फिर वेट कहाँ पे गया या तो फिर यू नो कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत सारे पॉइंट जमा हो जाते हैं ना बैंक में एंड देन यू कैन रिडीम इट. तो हम लोग को ना बहुत सारा पॉइंट जमा हो गया. शॉमिक ये सब कभी भी नहीं देखते, ही इज लाइक लीस्ट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस. तो ये फ्राइडे ना मैंने देखा रे बहुत सारा पॉइंट हो गया है, फिर ना मैंने रिडीम किया है. तो मुझे लगा चलो मैं सनग्लास ले लेती हूँ. तो मैंने एक सनग्लास भी ले लिया एंड इसके लिए आई पेड ओनली $50. तो टोटल मेरा खर्चा एक्चुअली मैं $100, ये $50 मैंने खर्चा किया एंड इन सिफोरा आई थिंक सो आई पेड अराउंड, कितना मैंने पे किया, अराउंड 15-16 ऐसा कुछ डॉलर मैंने पे किया. तो चलिए अभी आप सबको सनग्लास दिखाती हूँ. दिस प्रदा का है, अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया तो आई एम सॉरी. पर ये केस बहुत छोटा है जो मुझे काफी अच्छा लगा. मेरे पास और एक सनग्लास है उसका केस बहुत बड़ा है. वेट मैं आपको दिखाती हूँ. ये से इसका केस कितना बड़ा है एंड सी दिस इज सो स्लिक. ओह माय गॉड दिस इज सो स्मॉल. ऐसा ही होना चाहिए ना, इतना बड़ा होता है ना देन यू कैन टेक इट ओनली. एंड दिस इज ट्रस्ट मी आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल एग्री, दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट सनग्लास जो मैंने खरीदा था. ये वाला दिस ये लाइक बहुत ये फेमस है ना ये फैशन, पर ये ना मैं पहनू तो सी आई डोंट नो हाउ आई लुक, बट ये बहुत ज्यादा डार्क है तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं. हार्डली मैंने ये पहना है. तो दिस वॉज अराउंड $300. तो मैं जैसे बोल रही थी $250 का तो मेरा यू नो कार्ड ही था तो मैंने सिर्फ $50 पे किया है. एंड मुझे अभी ऐसा छोटे छोटे सनग्लासेस ही पसंद है. तो आप लोग बताना ये कैसा हुआ है. तो बस यही था मेरा पूजा का शॉपिंग. तो अभी 5 o'clock होने वाला है एंड हाँ मैं ऊपर में ये लिपस्टिक भी लेके आ गई. मैं बैग में रख देती हूँ एंड मैं देखती हूँ कि रिसीट भी है, क्योंकि अभी ना क्या होता है सिफोरा एंड ऑल में अगर आपको बैग चाहिए ना तो दे चार्ज आई थिंक सो 5 cents है. तो यू नो इतना 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 ही तो सामान था, वो तो बैग में ही आ जाएगा. वेट
मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो मुझे रिसीट भी मिल गया, तो मैं ऐसा ही रख देती हूँ। आई डोंट नो यार, वो लोग लिपस्टिक लेंगे कि नहीं। लेना तो चाहिए, ये कंट्री में तो सभी कुछ ले लेते हैं। एंड हाँ, ये रहा मेरा फ्री का मस्कारा। ये क्लिनिक का है, वेट मैं ओपन कर लेती हूँ। मेरे लिए तो ये बहुत दिन ही चल जाएगा, मैं कभी भी मस्कारा नहीं लगाती। तो मैंने लाइनर भी सिर्फ यहाँ पे लगाया है, मस्कारा भी सिर्फ एक आई पे थोड़ा मैंने लगाया है। ये सब मस्कारा मैंने देखा है ना, बहुत जल्दी एक्चुअली ये ड्राई हो जाता है ना, विद इन 6-7 मंथ्स ही ड्राई हो जाता है। पर वो लिपस्टिक का प्रॉब्लम हो गया ना, नहीं तो और भी अच्छा लगता कि हाँ यू नो लिपस्टिक बहुत अच्छा था। अभी ये सब तो होता ही रहता है, रिटर्न करना मुझे लगता है हम लड़की लोगों का स्वभाव ही है, एंड वो करना भी चाहिए। तो चलो, आपको मेरा हॉल कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताना। एंड दिस लिपस्टिक इसका कलर इज़ सो ब्यूटीफुल, पता नहीं अभी कैसा आ रहा है, बिकॉज यू नो मैंने तो लिपस्टिक ऑलरेडी लगाया हुआ था ना, उसके ऊपर में मैंने लगा दिया है। तो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक, एंड मैं आप सबसे मिलूंगी कल विद ए न्यू वीडियो। अंटिल देन बाय बाय।